मुरैना जब जब हुकूमत के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद हुआ तो यहाँ के बागियों ने चंबल का रुख किया। दिखा दो इनको, बागी कैसे बने हम लोग। चंबल की घाटी पिछले कई सौ सालों से समाज और कानून के लिए सरदर्द बनी रही। चंबल की घाटियों में राज करने वालों की कहानी आज की नहीं है, ये कहानी सदियों पुरानी है। बड़ा खुशनसीब माना गया वो जो लौटा पीकर चंबल का पानी। घने जंगल, कटीली झाड़ियाँ, ऊबड़ खाबड़ घाटियों के बीच जिसने अपनी रियासत बनाई, हमेशा अपने उसूलों को आगे रखा, वही कहलाया चंबल का डाकू। लेकिन समय बदला, इतिहास बदला और साथ में बदला डाकुओं के काम करने का तरीका। आज कुछ डाकू अपनी सीधी सादी जिंदगी जी रहे हैं और कुछ चंबल की घाटियों को छोड़ शहरों को अपने नाम कर रहे हैं। बाबा भी उन्हीं में से एक डाकू है जो चंबल को छोड़ पूरे मुरैना पर राज करता है। बेटा यहीं बैठना, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ और कहीं जाना नहीं, ठीक है? ठीक है बाबा। चलो अभी यहाँ थोड़ा सा काम है, उसके बाद में फिर तुम्हारी किताबें दिलवा के लाऊंगा, ठीक है? चलो आओ। ओहो सुलेमान, तेरे कई खातिर मैंने गफ्फार को इस काम के लिए रखा था। अब ये छोटे मोटे काम के लिए मैं रंगू का पूरा मुरैना मोए बाबा के नाम से जानते है, बाबा के नाम से। अब कौन करेगा मेरो जे काम? मैं करूँगा बाबा। कर लो तेने काम, कौन करेगा? मैं करूँगा जा काम को। अब जामे दिमाग लगा जामे। अब जाकू रखवावे को कोई बंदोबस्त है तेरे पास? साहब। हाँ बोल। मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा है, तो मैं क्या करूँ जामे? मदद कर देते। ठीक है, मैं तो काम देता हूँ, हमारे साथ काम करेगा तो कोई के सामने हाथ फैलावे की जरूरत ना पड़ेगी। फिलहाल तू एक काम कर, वो मेरी गाड़ी खड़ी है, ये पकड़ चाबी, मुझे बैग है बामे धरिया। ठीक है साहब। बूम। है कि आपकी जान को खतरा है सर, आपको मारने की साजिश की जा रही है। क्या? ए, रुक रुक। का नाम है तेरो? शिवा। शाबाश बेटा शाबाश, तेरे बाप के कानून ने खत्म करो है। ले जाए पकड़, कर दे महासंग्राम की शुरुआत और ले ले अपनी बाप की मौत को बदलो। शाबाश बेटा शाबाश, कर दे जाए अंधे कानून ने खत्म। अपना रुद्र रूप शिवा पूरे मुरैना दिखा दे। चिल्ले अपने हिस्सा की रोटी और बना अपना अलग से लश्कर। चिल्ले अपने हिस्सा की रोटी, चिल्ले अपने हिस्सा की रोटी और बना अपना अलग से लश्कर। दिखा अपना रुद्र रूप शिवा पूरे मुरैना दिखा दे। पिताजी, जब तक आपकी मौत का बदला मैं नहीं ले लेता, मेरे अंदर की ज्वाला कभी शांत नहीं हो सकती और नहीं भूल सकता मैं उस मंजर को जब आपको मारा गया था। और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। हाँ वास्को, अरे कहाँ रहा इतने दिन? कछु लाया है आज? बाबा, आज जो माल लाया हूँ ना, कतई जहर लाया हूँ, तबीयत खुश हो जाएगी। दिखा भाई, सैंपल दिखा। नाम है मेरा वास्को, माल लाता हूँ क्लासिको, बाबा तबीयत खुश हो जाएगी। भैया रुपया देता हूँ हरा और माल भी चाय मोए खरा। देख भाई वास्को, तेरा माल डन है। अब जा माल है भिंड से पहुंचाने की तैयारी कर। और सुन, मुरैना का बॉर्डर तो को पार करवाना पड़ेगा। बाबा, इसकी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है तो डन। काय वे कमांडो, एक का जनानी के जैसे हाथ मार रहे हो? कचू खावा ना है का? खोपड़िया पे चल भाई चल, बाहर निकल। इंस्पेक्टर, तू हमें जानता नहीं है, हम बाबा के आदमी हैं, बाबा के आदमी। और कुछ लाऊं साहब? बाबा, हमारा माल पकड़ो को। कहाँ पकड़ोगे माल? माओ भिंड के बॉर्डर पे ये जो नया इंस्पेक्टर आया हो ना, जाको कचू करना पड़ेगा। जा आराम करो, कचू करना पड़ेगा। सिवाय फोन लगा चैटी, जब तक मसरी ना जाए, जब तक अपने आप पे से समझेगी। मैं समझ गया। आओ मोटा, चाय लेके आओ। काहो मोड़ा चीनी ना डाली काहो डालिए साहेब। काहो सतरा चीनी है इसमें? है। हम तो जवाल लड़ाता है। नहीं साहेब। हाँ? तो जवाल लड़ाता है। जवाल लड़ाता है? हैं? जवाल लड़ाता है तू? बच्चा को छोड़। हैं? बच्चा को छोड़ दे। बच्चा को छोड़। तू तो बच्चा है, तू का मर्द है, तो से भिड़े हम। अब भागो मादरचोद, कहाँ तक भागोगे? तू जानता नहीं है, गफ्फार नाम है मेरा। माशाल्ला बोट ये काट डालूंगा तेरी। हेलो शिवा, बाबा ने याद करा हुआ है। आ रहे और एक उपहार भी ला रहे हैं बाबा के लिए।